ये देखिए पैनकेक हमारे रेडी है, बन चुका है, हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैनकेक, और पैनकेक बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे आधा कटोरी जैम। आप किसी भी कलर का कोई भी फ्रूट जैम ले सकते हैं, हमने ये आधा कटोरी जैम लिया है। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच ये खाने वाला सोडा, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे फेंट लिया है। अब हम इसमें दो चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, 2 टीस्पून, ये 2 छोटे चम्मच हैं, और इसको भी हम इस तरह से फेंटेंगे। ये हमने लिया 1 कप मैदा, और इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालेंगे। हमने 1 कप मैदा लिया है, आप 1 कटोरी या 1 कप कैसे भी ले सकते हैं, और इसको हम मिला देंगे इस तरह से। इसमें एक एग डाल रहे हैं। ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 मिल्क। बैटर हमारा तैयार है, इसकी थिकनेस देखिए, हमें यही थिकनेस चाहिए थी। अब हम इसे पैन में बनाते हैं। ये देखिए हमने पैन चढ़ा दिया है। अब हम इस पैन में, ये हल्का सा गर्म हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। इस तरह से हम इसमें कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, और जो बैटर हमने अपना बनाया था इसको इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से इसको। एक से दो चम्मच के करीब आप इसे इसमें इस तरह से बना सकते हैं। एक पैन में मैंने 3 पैनकेक बना रही हूं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, हम 3 पैनकेक बनाए हैं। मैं इसे 3 से 5 मिनट के लिए इस तरह ढक दूंगी। ये देखिए हम इसको इस तरह से पलट देंगे पैनकेक को, और इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लें। ये देखिए गैस के फ्लेम को हमें 3 से 4 मिनट तक सिमी रखना है, और दोनों तरफ से हम इस तरह से इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे, और पैनकेक हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए पैनकेक हमारा रेडी है, बन चुका है, हम इसे प्लेट में निकाल रहे हैं। ये देखिए हमारे पैनकेक रेडी हैं। आप इसे खाएं, एंजॉय करें, और मैं इसमें चॉकलेट सिर्फ डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से, वाह, जब इसे आप खाएंगे, एंजॉय करेंगे, सच में एक डिलीशियस स्वाद आएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये पैनकेक कैसे लगे। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।